हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है अमरेंद्र सिंह तोमर और मैं डेली की तरह आज भी आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो लेकर आया हूं। दोस्तों, अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही कारगर साबित होगी। दोस्तों, मैं आपके लिए इसमें जीके जीएस करंट अफेयर्स से रिलेटेड क्वेश्चन रहेंगे दोस्तों, जो रिपीटेड क्वेश्चन है दोस्तों, ये किसी ना किसी एग्जाम में पूछे गए हैं दोस्तों। ठीक है, तो आपने ध्यानपूर्वक पढ़ लीजिएगा। ठीक है, तो हम अपनी वीडियो को शुरू करते हैं दोस्तों। वीडियो प्रश्न शुरू करने से पहले, अगर आप हमारे YouTube चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं दोस्तों, तो आपके लिए रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा, तो आपके लिए सब्सक्राइब करना है। उसके लिए साथ ही साथ बेल आइकन के लिए भी ऑन कर लेना है दोस्तों। इसके अलावा आपके लिए यह होगा कि मेरे द्वारा अपलोड की गई हर एक वीडियो आप तक आसानी से पहुँच जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम अपने प्रश्नों को शुरू करते हैं दोस्तों। तो हमारा प्रथम प्रश्न हो जाएगा दोस्तों, आगरा के समीप फतेहपुर सीकरी तथा बुलंद दरवाजे स्थापित किए गए थे तो किसके द्वारा किए गए थे? तो राइट आंसर आएगा अकबर द्वारा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है गांधी और अंबेडकर के मध्य पूना पैक्ट संपन्न हुआ था, कब हुआ था? तो 1932 ईस्वी में। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1923 में किसके द्वारा स्वराज पार्टी गठित की गई? तो बताइए किसके द्वारा की गई? तो राइट आंसर आएगा मोतीलाल नेहरू जी द्वारा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी जी ने असहयोग आंदोलन क्यों वापस लिया? तो ये चोरी चोरा घटना के कारण। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश की सीमा भारत देश से नहीं जुड़ती है? तो बताइए, तो इसका आंसर रूस है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, भारत कितने देशों के साथ अपनी भू सीमा की साझेदारी करता है? तो बताइए, छह देशों हैं। ठीक है दोस्तों, छह देशों के साथ में अपनी भू सीमा की साझेदारी करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किन देशों का युग्म पालक जल डमरू मध्य वन्नार की खाड़ी द्वारा विभाजित है? बताइए, तो राइट आंसर आएगा भारत और श्रीलंका। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों, भारत में कितने संघ राज्य क्षेत्र हैं? तो सात हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, लक्षद्वीप टापू स्थित है तो कहाँ पर है दोस्तों? तो ये अरब सागर में है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, वर्ष 2004 में सुनामी के दौरान भारतीय संघ का कौन सा दक्षिणतम बिंदु समुद्र में डूब गया था? बताइए कौन सा डूब गया था? तो राइट आंसर आएगा इंदिरा पॉइंट। ठीक है, ये डूब गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, भारत विश्व के कुल भौगोलिक भू क्षेत्र का कितना प्रतिशत रखता है? तो 2.4% रखता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं आती है? तो हरियाणा में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का कौन सा राज्य समुद्र तटीय नहीं है? तो ये छत्तीसगढ़ हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, अगर आपने अभी तक मेरी वीडियो के लिए लाइक नहीं किया है दोस्तों, एक लाइक कर दीजिए, जिससे मेरा उत्साह बढ़े और मैं इसी तरह की वीडियो आप तक पहुंचाता रहूं। ठीक है दोस्तों, चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों, कौन सी गैस चांदी को काली कर देती है? चांदी की सतह को काली कर देती है, तो बताइए, ओजोन गैस है दोस्तों। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गैलेना किसका अयस्क है? तो ये लेड का है, शीशे का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन।
सबसे शुद्धतम जल किसका होता है? तो आपको पता होगा दोस्तों, वर्षा का होता है। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुद्ध जल क्या होता है? तो उदासीन होता है दोस्तों। ठीक है, चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, रासायनिक दृष्टि से चीनी क्या है? तो ये सुक्रोज है दोस्तों। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारी जल किसका ऑक्साइड होता है? तो ये ड्यूटेरियम का होता है दोस्तों। ठीक है, ड्यूटेरियम का रासायनिक सूत्र होता है D2O। ठीक है, D2O ये होता है इसका रासायनिक सूत्र। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस गैस से सड़ी मछली की तरह गंध आती है? तो बताइए किस गैस से आती है सड़ी मछली की तरह गंध? तो ये ओजोन गैस हो जाएगी दोस्तों। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, किस गैस से सड़े अंडों की तरह गंध आती है? तो बताइए, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों, कांसा किसकी मिश्र धातु है? तो बताइए, राइट आंसर आएगा तावा व टिन की। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों, जस्ते का फूल किसे कहा जाता है? तो जिंक ऑक्साइड को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। कोयले की खानों से कौन सी गैस निकलती है? तो ये मीथेन गैस निकलती है दोस्तों। इसका रासायनिक सूत्र होता है CH4। ठीक है, ये भी आप याद कर लीजिएगा, आपको याद तो होगा ही, नहीं होगा तो कर लीजिएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, कृत्रिम सुगंधित पदार्थ बनाने में किसका प्रयोग किया जाता है? बताइए किसका किया जाता है? तो एथिल एसीटेट का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट हो जाएगा, फलों के रसों को सुरक्षित रखने के लिए किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है? तो ये फार्मिक अम्ल हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त के प्रवाह को रोकने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो फेरिक क्लोराइड का। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों वीडियो में अंतिम दो क्वेश्चन बचे हुए हैं, इन्हें भी आप आराम से देख लीजिएगा। सामान्य ताप व दाव पर किसी गैस के 1 ग्राम अणु का आयतन कितना होता है? बताइए, तो ये हो जाएगा 22.4 लीटर। ठीक है, 22.4 लीटर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर जाते हैं। वीडियो का अंतिम क्वेश्चन है दोस्तों ये, मानव की उत्पत्ति किस युग में हुई? बताइए, तो ये हुई प्लायोसीन युग में। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों ये हमारे बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे जो मैं आपके लिए लेकर आया था। दोस्तों अगर आपके लिए क्वेश्चन अच्छे लगे हैं, वीडियो अच्छी लगी है, तो आप लाइक करिएगा, साथ ही साथ कमेंट करके भी बताइएगा कि मुझे अच्छी लगी है, या कोई दिक्कत हो तो वो भी आप कमेंट करके बता सकते हैं दोस्तों। ठीक है, मैं आशा करता हूँ मेरी वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रही होगी दोस्तों, इससे आपके लिए काफ़ी क्वेश्चन मिले होंगे, और मैं इसी तरह के मैंने और भी पार्ट अपलोड किए हैं, आप वीडियो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं दोस्तों। ठीक है, और मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ। ठीक है दोस्तों वीडियो अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो खुश रहिए, और मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलते हैं आपसे। ठीक है, तब तक आप अपना ख्याल रखें, अपने परिवार वालों का भी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।